Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. कनाडा में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, हम सब मिलकर कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। टोरंटो में वायरस के फैलाव को कम करने के लिए मजीद पाबंदियों पर गौर। मेयर जॉन टोरी का कहना है, चार इलाकों की कड़ी निगरानी की जा रही है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर ने मजीद स्कूलों को निशाना बनाया। माहिरीन ने कोरोना में इजाफे की वजह स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के दोबारा खोलने को करार दे दिया। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। आखिरी इतलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 147,753 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,21,16,152 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 9,82,324 हो गईं। इलेक्शन में धांधली की कोशिश हो सकती है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, नतीजे का फैसला सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। नाइजीरिया में गैस टैंकर में खौफनाक धमाका, 28 से ज्यादा अफराद हलाक। धमाका इतना शदीद था, इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला क्लीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौम से खिताब में कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो जानते हैं कि हम में से कोई भी ये खबर सुनना नहीं चाहता। हम सब मिलकर कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। हम आज या कल के आदादोशुमार बदल नहीं सकते। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मजीद कहा कि कनाडा के लोगों में ताकत है कि वो वबाई मर्ज को एक मरतबा फिर फैलने से रोक सकें। वाज़ेह रहे कि कनाडा में कोरोना वायरस से अब तक 147,753 अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 9,243 है। 127,788 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। इस वक्त कनाडा में कोरोना मरीजों की तादाद 10,722 है। टोरंटो के मेयर का कहना है कि शहर में वायरस के फैलाव को कम करने के लिए मजीद पाबंदियों पर गौर किया जा रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी का कहना है कि हुकाम शहर में कोविड 19 के फैलाव को कम करने के लिए मखसूस इकदामात पर गौर कर रहे हैं। न्यूज ब्रीफिंग में टोरी का कहना था कि हुकाम ने उन चार इलाकों में पाबंदियों का फैसला किया है जहां नोवेल कोरोना वायरस फैल रहा है और उन इलाकों की कड़ी निगरानी भी की जा रही है। इसके अलावा सूबे में शादी हॉलों और रेस्टोरेंट्स में लोगों की तादाद को मजीद महदूद करने की ताकीद भी की गई है। टोरी का मजीद कहना था कि शहरी, सूबाई और वफाकी अहदेदारों के अलावा टोरंटो पब्लिक हेल्थ का अमला मिलकर काम कर रहा है ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि वायरस को कम करने के किस तरह बेहतर अंदाज में आगे बढ़ना है। टोरी का कहना था कि हम शहरी हुकूमत की हैसियत से जिंदगी के बचाव, सेहत आमा के तहफ्फुज़ और मईशियत को खुला रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर एलन डी वेला ने बताया कि टोरंटो में कोविड 19 के 129 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इस वायरस से मजमुई तौर पर टोरंटो में 1,178 अफराद हलाक हो चुके हैं। क्यूबेक में 400 से ज्यादा स्कूल और ऑन्टेरियो में मजीद 153 स्कूल कोरोना वायरस के कम अज कम एक केस की इत्तला दे रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो के ताज़ा आदादोशुमार से पता चलता है कि हालिया महीनों में कोरोना के मरीजों में तेजी से इजाफा हुआ है। माहिरीन ने कोरोना में इजाफे की वजह स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के दोबारा खोलने को करार दिया है। मुतअद्दिद सूबों और जामियात की जानिब से पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने की सूरत में सख्त जुर्माने की वार्निंग भी दी गई है। आदादोशुमार के मुताबिक कनाडा भर में 9,250 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला होकर हलाक हो चुके हैं,
जबकि कोरोना मुतासरीन की तादाद 1.5 लाख के करीब है। क्यूबेक में कोरोना वायरस के 69,000 मरीज हैं, जिनमें मजमुई तौर पर 48% मुतासर है, जबकि अमवात 63% है। इसी तरह ओंटारियो में 48,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 33% मुतासर और 31% अमवात हुई हैं। क्यूबेक में एक रोज में 471 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कोरोना से मजीद 4 अमवात के बाद सूबे में अमवात की मजमुई तादाद 5,809 हो गई। ओंटारियो में 335 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मजीद 3 अमवात की इत्तला मिली है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,243 है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,47,753 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,243 है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे में कोरोना वायरस की मजमुई केसेस की तादाद 69,088 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के 22 हलाकतों की तादाद 5,809 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमुई तादाद 48,087 तक जा पहुंची है। सूबे में हलाक होने आले अफराद की तादाद 2,835 है। अल्बर्टा में 17,032 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 260 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 8,395 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 227 है। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मौजी वबा से महफूज नहीं, इसके मरीजों और अफवाद में मुसलसल इजाफा जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,21,16,152 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 9,82,324 हो गई। अमरीका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर है, जहाँ इस वायरस से अब तक 2,06,593 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमुई तादाद 71,39,553 हो चुकी है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया, जहां कोरोना वायरस से 91,173 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 97,32,518 हो गई। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर चला गया, जहां ये वायरस 1,29,065 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 46,27,780 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 19,948 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 11,28,836 हो चुकी है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस के 5,044 अफराद की जिंदगी का खात्मा हो गया, जबकि यहां 3,53,844 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 4,569 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,31,359 तक जा पहुंची है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में महासराई भरने लगी। सदर ट्रंप ने कहा है धांधली की कोशिश हो रही है, इलेक्शन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नवंबर के इंतखाबात हार गए तो इक्तदार की पुरअमन मुंतकली का अहद नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि वो देखेंगे क्या होता है। पोस्टल वोटिंग पर शक का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबी नतीजे का फैसला सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। वाज़ेह रहे सदर ट्रंप ने चंद रोज कबल अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की मरने वाली जज रूथ बैडर की जगह नई जज की तैनाती का ऐलान किया था और वो सदारती इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं। दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने सदर ट्रंप की इंतखाबात से कबल सुप्रीम कोर्ट जज की तकरीरी का मंसूबा ताकत का गलत इस्तेमाल करार दिया था। उन्होंने अमरीकी शहरियों से अपील की थी कि वो अहल इक्तदार तक अपनी आवाज पहुंचाएं कि वो ताकत के नाजायज इस्तेमाल का साथ नहीं देंगे। नाइजीरिया में गैस टैंकर में जोरदार धमाके के बाद आग लग गई। वाकये में 9 बच्चों समेत 28 अफराद हलाक हो गए। धमाके और आतिशबाजी से कई गाड़ियां भी जलकर खाकस्तर हो गईं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नाइजीरिया के दारुल हुकूमत अबुजा में एक गाड़ी से टकराने के बाद गैस टैंकर में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था कि इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक धमाके के बाद होने वाली आतिशबाजी से आसपास खड़ी दर्जन से ज़ायद गाड़ियों में भी आग लग गई। इन दोनाक हादसे में अब तक 28 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। इस हवाले से रोड सेफ्टी एजेंसी के अहदेदार ने मीडिया को बताया कि वस्ती नाइजीरिया की रियासत में ट्रक ब्रेक फेल होने के बाद 5 कारों 3 रक्शों और मुतअद्दिद मोटरसाइकिलों से टकराने के बाद उलटकर धमाके से फट गया, जिसके बाद खौफनाक आग लग गई। अहदेदारों के मुताबिक हादसे में 28 अफराद जांबाक हुए, मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। फेडरल रोड सेफ्टी कॉर्पोरेशन के तर्जुमान के मुताबिक वाकया हाईवे पर वाकई एक पेट्रोल स्टेशन के सामने पेश आया। रियासती गवर्नर का कहना है कि हादसे में मुतअद्दिद जानों का ज़िया हुआ। टैंकर्स में आग लगने के नतीजे में मुतअद्दिद गाड़ियां, अमलाक और दिगर कीमती सामान भी तबाह हो गया। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। डेली कैनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैग टीवी। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।